हाँ, ये कह रहे थे यार, काट क्यों रहे हो? बहुत दिन से यार जीभ खुजा रही थी मेरी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है आपको जानकारी देंगे कि आपको जो है फ्रॉड कॉल से किस तरह से जो है अवेयर रहना है। दोस्तों तरह तरह से लोग हथकंडे अपनाते हैं, एकदम बेवकूफ़ समझते हैं। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो इन फ्रॉड कॉल्स वालों का जो है बात मान के पूरा डिटेल अपना शेयर कर देते हैं, उसके बाद जो है उनका बहुत बड़ा नुकसान जो है उन्हें झेलना पड़ता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ ऐसा ही जानकारी आपको देंगे। दोस्तों एक जो कॉल मेरा रिकॉर्ड हुआ है आज के डेट में, दोस्तों मेरे पास एक कॉल आया था, उसको मैंने रिकॉर्ड किया है दोस्तों, जो जो आपको मतलब एक जानकारी के तौर पर दोस्तों आपको शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये बहुत ही फनी वीडियो होने वाला है दोस्तों, इसमें जो है देखिए मैंने किस तरह से उसको जो है उसी की भाषा में जो है रिप्लाई दिया। इस वीडियो में आपको जो है जानकारी के साथ मज़ा भी आएगा दोस्तों, आपको एक मैसेज मिलेगा कि आपको किस तरह से इन लोगों से जो है निपटना है। दोस्तों भाइयों जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। दोस्तों इस चैनल पर आपसे जो है CSE और टैक्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहती हैं समय समय पर। तो अब चलिए दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको वो रिकॉर्डिंग जो है दोस्तों सुनाते हैं कि किस तरह से जो है हमारा कन्वर्जेशन हुआ और उसको एक्सपोज किया दोस्तों। हेलो, हाँ हेलो, हाँ भैया कहाँ से बोल रहे हैं जी? आप कौन बोल रहे हैं? आपका भी कॉल आया था मेरे भाई के पास जी। हाँ, राधा राधा के नाम से क्या क्या समझते हैं भैया जी? आप मतलब राधा के हस्बैंड जी बोल रहे हैं? हाँ हाँ बताइए जी, आप आवाज ब्लॉक कर रहे हैं ना? हाँ जी, आपने जो ऑनलाइन कॉलोनी का फॉर्म डाला था ना आपने? हाँ, राधा के नाम से ऑनलाइन का फॉर्म जो डाला था आपने लॉकडाउन के पहले डाला था ना जी? कब डाला था सर? लॉकडाउन के पहले डाला था। मैं प्रधानमंत्री आवास विकास कार्यालय जनपद नगर लखनऊ से गौरव कुमार लाइन की बात कर रहे हैं जी। जी आपने तो लॉकडाउन से पहले जो आपने फॉर्म डाला था राधा के नाम से, जो आपका यहाँ पे फॉर्म कंप्लीट होके आया है पीएम हाँ। योगी आदित्यनाथ के माध्यम से 52 कॉलोनी पास होके आज की डेट पे आई हुई है जी। जी तो हाँ। आपने नाम क्या बताया अपना? सुरजीत बोल रहा हूँ। सुरजीत, सुरजीत जी आप मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं ना जी? जी सुरजीत जी, जो आपने मतलब राधा के नाम से डलवाया था, जो आपका आवास पहले से कितना बना हुआ है? कच्चा मकान बना हुआ है। कच्चा मकान बना हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे कार्यालय में जो आपका फॉर्म कंप्लीट होके आया हुआ है हाँ। कल की डेट में हुँ. तो यहाँ पे जो कॉलोनी पास हुई है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते जो भी अधिकारी बैठते थे तो फॉर्म इधर के उधर हो जाते थे, तो कायदे से आवास पास नहीं हुए हाँ. तो यहाँ पे एक नाम से कई भी आवास पास हुए हैं, तो यहाँ पे जो आपका राधा के नाम से जो फॉर्म आया हुआ है हाँ, तो यहाँ पे एक बार राधा जी का खाता नंबर आधार कार्ड नंबर एक बार आपको कंफर्म कराना पड़ेगा, क्योंकि परसों की डेट में क्योंकि एक से तीन आवास आए हुए थे, तो जिसके नाम से आवास आया था उसके नाम पे नहीं पहुंचे, पैसा ट्रांसफर हुआ दूसरे के नाम से पैसा ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पे एक बार खाता नंबर मैच किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि नहीं ये राधा जी का है कि दूसरे का है। एक बार भैया जी उधर से आपको खाता नंबर बोलना पड़ेगा और आधार कार्ड नंबर बोलिए, यहाँ पे मैच किया जाएगा। मैच करने के बाद तुरंत BDO साहब के पास ये क्लियर किया जाएगा और तुरंत अपनी राधा जी को पैसे बैंक लेकर ये पैसा आज ही के डेट में आपके खाते में ट्रांसफर होगा। आप एक काम करिए सर, बताएं बोलो, आप वहाँ से डाटा जो है फॉरवर्ड कर दीजिए, मैं यहाँ अपने ब्लॉक में मिल लूंगा जाके वहाँ से। ओके सर, तो ठीक है, यहाँ से डाटा फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। हाँ हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। ये डिटेल आपने कहाँ से निकलवाई है? डिटेल कहाँ से निकलवाई आपको हमने क्या बताया था? हाँ हाँ वही बताया, सब वही पूछ रहे हैं, आपने डिटेल कहाँ से निकलवाई है सारी? जो हमारे पास फॉर्म आया था, जो यहाँ पे मान जानते हो कि प्रधानों के माध्यम से 25 दिसंबर को जब हो जाते हैं हाँ। कि जो फॉर्म यहाँ पे जारी का काम ऑनलाइन हो रहा है। एक बात आपको क्लियर बताएं भाई, बोलिए। सबसे पहली बात तो मैंने कोई ऑनलाइन नहीं किया कॉलोनी के लिए, ठीक है जी जी। तो किया नहीं है तो ये डेटा आपको कहाँ से मिला? ये जो राधा जी के नाम से आया हुआ तो वही जानकारी, कोई और काम नहीं है आपके पास, ये बताओ। समझ रहे हैं जी, हम समझ रहे हैं, ये बताइए कोई और काम नहीं आपको मिलता है कुछ करने के लिए? क्या कोई और काम, दूसरा काम नहीं है आपके पास कुछ करने के लिए? आपको क्या लग रहा है? लग रहा है हमें वही लग रहा है जो आप कर रहे हो। हेलो जी,
हाँ ये कह रहे थे यार काट क्यों रहे हो, बहुत दिन से यार जीभ खुजा रही थी मेरी। क्या क्या कह रहे हो? अरे यही कह रहे थे काट क्यों रहे हो यार। अच्छा क्या खुजा आपको बताइए। हाँ हाँ वही बता रहे यार, ये बता रहे कितने काट देते हो दिन भर में। बोलिए कितने काट लेते हो दिन भर में। रखो यार फोन। देखो ऐसे डाटा ना निकलवाएगा ना, इतना झूठ पड़ेगा किसी का, किसी दिन सही हो जाओगे ठीक है।